और बड़ी खबर मौसम को लेकर है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली में आज सीजन का सबसे ठंडा दिन है। दिल्ली का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। वहीं राजधानी में घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी कई जगहों पर ना के बराबर है। तो बड़ी खबर मौसम को लेकर, दिल्ली में आज इस सीजन का सबसे सर्द दिन, तापमान 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस साल अभी तक का सबसे कम तापमान, सीजन का सबसे ठंडा दिन। और वहीं राजधानी दिल्ली में घना कोहरा छाया हुआ है दिल्ली एनसीआर के पूरे इलाके में, और कई जगहों पर विजिबिलिटी ना के बराबर है। रविवार को राजधानी दिल्ली में मौसम का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया। रविवार की सुबह अगर मिनिमम टेम्परेचर की बात करें तो 3.4 के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया गया, और ये अब तक का सबसे ठंडा दिन कहा जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर हम बात करें तो 22 दिसंबर की रोज राजधानी दिल्ली में 4.2 के आसपास टेम्परेचर दर्ज किया गया था, और अब 28 दिसंबर यानी रविवार की सुबह जो न्यूनतम तापमान है वो 3.4 के आसपास दर्ज किया गया है, और इसी के चलते काफी ज्यादा सर्दी महसूस की जा रही है। इसके अलावा अगर हम कोहरे की बात करें तो कोहरा भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। रविवार की सुबह जो विजिबिलिटी है कोहरे के चलते काफी ज्यादा कम हो गई, और मौसम विभाग की माने तो विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, और इसी के चलते सड़क यातायात, रेल यातायात और हवाई यातायात, तीनों यातायात पर इसका असर पड़ा, और कई फ्लाइट्स इस दौरान देरी से उड़ान भरी, और साथ ही साथ कई जो ट्रेन्स हैं वो भी काफी देरी से चल रही हैं। इसके अलावा अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो भी काफी धीमी रफ्तार से चल रही हैं, और कई जगहों पर छोटे मोटे हादसे होने की भी खबर यहां पर सामने आई है। अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम लगातार सर्द होता जा रहा है। इस सीजन का सबसे ज्यादा ठंडा दिन रविवार की सुबह दर्ज किया गया। आने वाले दिनों में भी तापमान और ज्यादा कम हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने इस बात का अनुमान पहले ही लगाया था कि पहाड़ी इलाकों के अंदर बर्फबारी होगी और उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों पर पड़ेगा, और ये अनुमान कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। दिल्ली समेत तमाम जो मैदानी इलाके हैं वहां पर सर्दी काफी ज्यादा बढ़ गई है, और शीतलहर का कहर तमाम जगहों पर जारी है। कई जगहों पर लोगों की मौत होने की खबरें भी सर्दी की वजह से आई हैं, और कोहरे की अगर हम बात करें तो कोहरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि अगर आने वाले दिनों में भी पहाड़ी इलाकों के अंदर इसी तरह से बर्फबारी जारी रहती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली समेत तमाम मैदानी इलाकों के अंदर सर्दी यूं ही जारी रहेगी। कैमरा पर्सन अमित राय के साथ नरेश बिस्वानी।